स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार, मैं हूं विशाल गुप्ता। अभी ये मुकाबला खत्म हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता है और सुपर ओवर में जीता है। अब देखिए, आईपीएल शुरू हुए एक हफ्ता हुआ है और ये दूसरा सुपर ओवर इस आईपीएल में ऑलरेडी हो गया। मुंबई इंडियंस ने जबरदस्त वापसी की, 201 रन तो बनाए थे बैंगलोर ने, लेकिन उन्होंने भी 201 बना दिए पॉलार्ड और ईशान किशन। उसके बाद सुपर ओवर तक ये खेल पहुंच गया। सुपर ओवर में शायद मुंबई थोड़ा सा टैक्टिकल ब्लंडर कर गया। रोहित शर्मा खुद नहीं आए, उन्होंने पॉलार्ड के साथ भेज दिया हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या का वैसे ही फ्लॉप आईपीएल चल रहा था और उसमें डॉट बॉल्स हुई और नतीजा ये कि मुंबई ने सिर्फ 7 रन बनाए। 8 रन का टारगेट था। बैंगलोर की तरफ से एबी डिविलियर्स और विराट आए। जसप्रीत बुमराह गेंद कर रहे थे, आखिरी गेंद तक लेकर गए और आखिरी गेंद पर जहां एक रन चाहिए था वहां पर विराट ने चौका मारा और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस मुकाबले को जीत लिया है, सुपर ओवर में जीता है। मदन जी, ये सुनील शेट्टी ने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, वो कहते दोस्तों इस तरह के मैच इतने मत खेलो यार, मार ही डालोगे क्या। मैच हो रहे हैं जैसे कि यू नो लाइक, और आईपीएल की अगर देखें बात करें तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बढ़िया मैचेस हो रहे हैं और विकेट भी काफ़ी अच्छे हैं जहां पे रन बन भी रहे हैं। और दूसरा है कि ड्यू फैक्टर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जब आप सेकेंड टाइम बॉलिंग करते हैं तो काफ़ी गीला बॉल गीला हो जाता है और जो बॉलर्स को काफ़ी मुश्किलें भी आती हैं। पर फिर भी मैं समझता हूँ भी जैसे कृष्णा ने या पॉलर ने बैटिंग की है लास्ट 5 ओवर में और उन्होंने मैच ऐसी जगह पे लेकर गए जहाँ पे मैच वो जीत भी सकते थे पर टाई हुआ। पर ये बात सही है कि ये मैच जो है हार्ट अटैक देने वाले मैचेस हो रहे हैं। सही बात है, बहुत सही बात है। और सुपर ओवर में भी देखिए मदन जी, सुपर ओवर तक जब आप पहुँच गए तो कहानी ही अलग हो जाती है। नवदीप सैनी ने जो ओवर किया है, शायद मुंबई ने गलती की, शायद रोहित शर्मा को खुद बैटिंग करने आना चाहिए था, शायद हार्दिक पांड्या इन कंडीशंस के लिए वो ताकत नहीं है जो पहले किसी ज़माने में उनमें मानी जाती थी। पॉलर्ड के साथ रोहित शर्मा आते शायद थोड़े रन ज़्यादा होते, लेकिन नवदीप सैनी मेरे ख्याल से सुपर ओवर के इस जीत के हीरो नवदीप सैनी हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने बहुत ही अच्छा ओवर किया है क्योंकि 6-8 रन उन्होंने दिए हैं लास्ट ओवर में। और क्या है कि देखिए, जो आपने पहले बात की है कि रोहित शर्मा को आना चाहिए था क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि रोहित शर्मा आएगा पॉलार्ड के साथ, क्योंकि हार्दिक पांडे के रन बन नहीं रहे। वो काफ़ी मतलब 2-3 मैचेस उन्होंने खेले, कोई 10-15 रन बनाए, एक आधा सिक्स मारा होगा उन्होंने, पर उनका जो टच है वो नहीं था। पर रोहित शर्मा का आना बड़ा जरूरी है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। सही बात है, लेकिन मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने भी सुपर ओवर में बॉल डाला, लेकिन अंत में देखिए ना हुआ क्या। अंत में हुआ ये कि विराट ने आखिरी गेंद पर चौका लगाया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो पिछला मैच पंजाब से हार गया था, एक तरफा वो उनकी हार हुई थी, उनका रन रेट भी गिर गया था, आज वो मुंबई इंडियंस को हराने में कामयाब हो गए। लेकिन आज के अगर टॉकिंग पॉइंट्स की बात करें, बहुत कुछ हुआ। ईशान किशन ने 99 रन बनाए और मयंक अग्रवाल की तरह इतनी शानदार पारी खेलने के बाद भी वो हारने वाली टीम में ही खत्म किए हैं। ये देखिए 99 रन की पारी है, 58 गेंदें उन्होंने खेली, 2 चौके और 9 छक्के। पॉलार्ड ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और पॉलार्ड जो है, मुंबई इंडियंस ने हमेशा इस खिलाड़ी को बैक किया है क्योंकि जरूरत के वक्त पॉलार्ड अपना हाथ उठाकर टीम के लिए परफॉर्म करते हैं। आज भी देखिए 20 गेंद में उन्होंने 50 बना दिए थे। ये ईशान किशन की बैटिंग है, 99 रन बनाकर वो आउट हुए जब 2 गेंदें रह गई थी। अगर वो छक्का हो जाता तो फिर ना सिर्फ उनका 100 होता बल्कि मुंबई मैच भी जीत जाती। जबरदस्त बैटिंग की है ईशान किशन ने, जबरदस्त बैटिंग, लेकिन शायद ये राहुल तिवतिया की बदौलत अब 4 ओवर में 70 रन 4 ओवर में 80 रन भी टीमें सोच रही हैं कि बन सकते हैं और पॉलार्ड और ईशान किशन की पार्टनरशिप यही हुई। दरअसल पॉलार्ड ने पहले जांपा का ओवर पकड़ा जिसमें 27 रन आए, ये पवन नेगी ने कैच छोड़ा था, उसके बाद से चौके छक्के की झड़ी लग गई, 27 रन आए। अगला ओवर युजवेंद्र चहल ने डाला, उनको भी 22 रन, 2 ओवर में 49 रन आ गए थे। हालांकि उस मैच में भी 19वां ओवर नवदीप सैनी ने ही किया था, उसमें रन नहीं आए और आखिरी ओवर उड़ाना ने किया,
आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए, चौका आया, पॉलार्ड ने मारा और मैच टाई हो गया। मान जी विराट के लिए बड़ी राहत है क्योंकि उनके 3 फेलियर्स हो चुके हैं बल्ले के साथ, लेकिन ये जीत जो है वो टॉनिक का काम कर सकती है, जीत से बड़ी दवा तो होती भी नहीं। नहीं बिल्कुल विक्रांत, क्योंकि देखिए विराट कोहली के रन तो नहीं बन रहे, पर ये आरसीबी को जो जीत मिली है, मैं समझता हूँ कि इससे उनको उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और दूसरी उन्होंने जो खास बात उन्होंने की है, जो आप खुद ओपन करने आए हैं, क्योंकि देखिए वो पेडिकल जो है वो अभी नया खिलाड़ी है पर रन तो बना रहा है, पर यह है कि ऐसे सिचुएशन के ऊपर जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो वहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी चाहिए जो कि गेम, और विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह को खेला भी बहुत हुआ है, नेट में भी खेला है, मैचेस में भी खेला हुआ है, तो उसको ज़्यादा आइडिया था जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट खेलना, पर यह भी उसकी अच्छी मूव थी। पर विराट कोहली मैं समझता हूँ कि इससे थोड़ी राहत जरूर मिली होगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिला होगा, पर फिर भी मैं अभी कहूँगा कि विराट कोहली को ओपन ही करना चाहिए क्योंकि उनकी जगह जो है ओपन पे बनती है, नहीं तो थोड़ी सी उनके लिए थोड़ी मुश्किलें शायद बढ़ती और भी बढ़ती चले जाएगी। सही बात है, लेकिन यह है कि एक तरफ मुंबई था, एक तरफ बैंगलोर था, एक तरफ रोहित शर्मा की कप्तानी थी, दूसरी तरफ विराट कोहली की कप्तानी थी, और आज कम से कम विराट आराम से अच्छी नींद लेंगे क्योंकि उनकी टीम ने रोहित की मुंबई को हरा दिया।